भाग में भी पर्यटन को बढ़ावा मिले, इसकी कोशिश पिछले 2.5-3 वर्षों से हो रही है। और उसी के क्रम में आज सनासर ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन आपके समक्ष हुआ है। इसे मैं एक ऐतिहासिक घटना मानता हूँ। 40 कैनाल में फैले इस गार्डन में, जैसा बताया गया, लगभग 2,75,000 ट्यूलिप बल्ब की 25 प्रकार की विभिन्न वैरायटी लगाई गई है। और मैं मानता हूँ कि अभी शुरुआत है, आने वाले समय में कई नई वैरायटीज़ भी इसमें शामिल की जाएंगी। कनेक्टिविटी तथा बुनियादी ढांचे में हो रहे अभूतपूर्व बदलाव ने जम्मू संभाग के अनेक स्थलों को पर्यटन की दुनिया के मानचित्र पर अपनी जगह बनाने का अवसर प्रदान किया है। स्थानीय इकोनॉमी को भी इससे मजबूत आधार मिल रहा है। जम्मू कश्मीर को आधुनिक और स्मार्ट पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के संकल्प को साकार करने के लिए इस वित्तीय वर्ष में लगभग 450 करोड़ रुपए टूरिज्म सेक्टर को बजट में आवंटित किया गया है। एक लक्ष्य भी रखा गया है कि एक आने वाले समय में 75 नए डेस्टिनेशन, 75 सूफी एवं धार्मिक साइट्स, 75 सांस्कृतिक एवं हेरिटेज साइट्स और 75 नए ट्रैक रूट्स, यानी कुल मिलाकर ये 300 नए डेस्टिनेशन, या मैं कहूँ कि पर्यटकों के लिए 300 नए विकल्प ऑप्शन विकसित करने की कोशिश हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट आने वाले समय में